डेली लाइफ में हमेशा ये सुना होगा कि चांदी के जेवरात पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, और इस वीडियो के जरिए हम उसी प्रोसेस को जानेंगे जिस प्रोसेस के जरिए चांदी के जेवरात पर सोने का पानी को चढ़ाया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस दो डिफरेंट टर्म से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, यानी कि टूट जाना। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज टूटती है। तो कैसे कोई चीज टूटेगी? चलिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसके जरिए हम ये देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की वजह से कोई चीज कैसे टूट रही है। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये रहा एक्सपेरिमेंट का सामान, ये सॉल्ट है, ये पेंसिल है, और इस पेंसिल के दोनों एंड को शार्प किया गया है। ये कनेक्टर है, ये 9 वोल्ट बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। अब हम वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि प्योर वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, यानी कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो इसीलिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एसिड भी डाल सकते हैं, बेस भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, तो इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ही है। बस वाटर को इम्प्योर करने के लिए, सो डैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, वायर को, वायर के एक एंड को पेंसिल के एक एंड से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड कनेक्टर से कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से दूसरे पेंसिल को भी करेंगे, और अब इस कनेक्टर को मैं बैटरी से लगा देती हूँ। अब देखिए, जैसे ही कनेक्टर बैटरी से कनेक्ट हुआ, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिंग वायर के थ्रू ग्राफाइट रॉड से गुजरती हुई वाटर तक पहुंच गई। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों पेंसिल के दोनों एंड पर कुछ बबल्स आपको दिख रहे हैं, एक पे ज्यादा बबल्स है और एक पे थोड़ा कम बबल्स है। जहां पे आपको बबल ज्यादा दिख रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन गैस है, और जहां पे बबल्स कम है वो ऑक्सीजन गैस है। अब ये बात कैसे आप कंफर्म करेंगे, इसका दो तरीका है। आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, H2O, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या है, 2:1, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के क्वांटिटी का डबल होगा। तो इसका मतलब ये जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए बबल्स जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में, हाइड्रोजन गैस वाले एंड पे बबल ज्यादा है। और हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए मैंने कैंडल लाइट यूज किया है। कैंडल लाइट को जैसे ही मैं ले गई हाइड्रोजन गैस के पास, जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस के पास ले गई जहां पे बबल ज्यादा निकल रहे हैं वहां पे मैं ले गई, तो देखिए ब्लू कलर का फ्लेम आता है। और जैसे ही ये ब्लू कलर का फ्लेम आता है, ये इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, और जब जलती है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस से बहुत सारे टर्म्स जुड़े हुए हैं। पहला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है इलेक्ट्रोड, और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और चौथा है आयोनाइजेशन। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में हो, या फिर फ्यूज स्टेट में हो, या फिर सॉल्यूशन स्टेट में हो, तो उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब गुजरती है, जब उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो अपने केमिकल कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारे केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा टर्म क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एनोड और कैथोड। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रोड क्या है।
एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने आपको दो पेंसिल दिखाए। आप ये बात जानते हैं कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है और ये ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को 9 वोल्ट बैटरी से वाटर तक पहुंचाने के लिए मैंने ये दो पेंसिल को यूज किया है। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में ये दो पेंसिल इलेक्ट्रोड की हैसियत से है, जैसे कि ग्रेफाइट रॉड्स, गैस कार्बन रॉड्स और कुछ मेटलिक रॉड्स भी हम यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है हमें। और ये इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एनोड और कैथोड। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया है कि यहाँ पे दो कलर के वायर यूज किए गए हैं, एक रेड और दूसरा ब्लैक। मैंने आपको बताया कि रेड वायर हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे और ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए यूज करेंगे। जिस पेंसिल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया था वो वहां पर एज अ एनोड है और जिस पेंसिल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया था वो पेंसिल वो एक्सपेरिमेंट में एज अ कैथोड है। यानी एनोड क्या है, वो इलेक्ट्रोड है जिनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और कैथोड वो टर्मिनल है जिनको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कैथोड किससे कनेक्ट है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तीसरा टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल से। एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने ग्लास देखा, ग्लास में मैंने वाटर लिया है, उसमें सॉल्ट को ऐड किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो जिस वेसल में इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किया जाता है उस वेसल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और ये वोल्टामीटर स्पेशल टर्म है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। यानी वाटर का जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है उसको वोल्टामीटर कहते हैं। चौथा टर्म आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइज होना मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, जैसे कि वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी तो ये अपने कंपोनेंट में आयोनाइज हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। कैसे आयोनाइज होती है, ये केमिकल कंपाउंड अपने केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल आयोन्स में, दैट मीन्स कैट आयोन और एन आयोन्स में टूट जाती है। तो ये टूटती है H प्लस और OH माइनस में टूट जाती है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपेरिमेंट किया जाए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो ये टूटेगी 2H प्लस SO4 2 माइनस। फिर अगर सोडियम क्लोराइड का किया जाए तो ये कैसे आयनाइज होगी, ये कैसे आयनाइज होंगे, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन, कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस। यानी कोई केमिकल सब्सटेंस बैटरी पैसा जो इलेक्ट्रिसिटी अपने आयोन्स में टूट जा रही है, तो इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। और नेक्स्ट वन क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन का कलेक्टिव नेम है, पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी रिएक्टेंट जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तब उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिला है। तो उसी एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। जब वाटर आयोनाइज हुआ तो क्या मिला, H प्लस OH माइनस। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये H प्लस कैट आयोन है, जाहिर सी बात है
ये कैट आयन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और कैथोड की तरफ माइग्रेट होकर वहां जाकर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करने के बाद और उसी कैथोड पे दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ये एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बन गया, नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन दो नेसेंट हाइड्रोजन आइटम मिलकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा है कि एक पेंसिल के एंड में ज्यादा बबल्स है, तो ये जो ज्यादा बबल्स है ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये है आपका कैट आयन जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन आइटम बना लिया, तो ये था आपका रिडक्शन। अब देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, अब तो हमारे पास एक ही आयन बचा OH माइनस और एनोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, तो ये OH माइनस पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जब ये पॉजिटिव एंड के पास जाएगा तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो OH माइनस वहां पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो OH बन जाता है और इस तरह से चार OH मिलकर ये OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके OH बना लेता है, फिर ये OH चार OH मिलकर दो मॉलिक्यूल वाटर प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन गैस। तो जिस पेंसिल के एंड पर कम बबल्स मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस है। बच्चों आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सिल्वर ज्वेलरीज होती है उनके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया जाता है, यानी कि चांदी के जेवरात के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, तो अभी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वो कैसे होता है, यहाँ पे तो आयन्स टूट रहे हैं, गैस इवॉल्व हो रहा है, तो फिर हम लोग गोल्ड प्लेटिंग करते कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एप्लीकेशन आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहीं से हम चीजें सीखेंगे कि कैसे गोल्ड प्लेटिंग किया जाता है।